भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का लहंगा लखनऊआ ने तो भाई धमाल मचा कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब खेसारी लाल यादव की सपोर्ट में भोजपुरी के कई ऐसे स्टार आ चुके हैं जिनका ये कहना है कि हाँ चलिए मान लिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों की चोरी होती है, लेकिन जिसका गाना पहले आया बाजी उसी की, और जिसके गाने का वीडियो ऑडियो दोनों पहले आ गया तो भाई गाना भी उसी का, क्योंकि इसमें रितेश पांडे को लेट करने की ज़रूरत ही क्या थी जब उन्होंने गाना बना ही लिया था, फिर वो किसका वेट कर रहे थे। जी हाँ, ऐसा कहना है भोजपुरी के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों का। आप जानना चाहते होंगे तो उसमें निशा दुबे सबसे ऊपर है। उनका कहना है गाना वाकई में बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये भले ही रितेश तोहमत लगा रहे हों खेसारी लाल यादव पर कि खेसारी ने उनका गाना चुरा लिया, लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का गाना अगर पहले आया है तो भाई गाना खेसारी लाल यादव का हुआ। वैसे भी जो दिखता है वो बिकता है, यानी जिसका गाना पहले बाजी उसी की। निशा दुबे के बाद इस गाने को सपोर्ट करती काजल राघवानी भी नजर आईं, और उनके बाद भोजपुरी के कई छोटे बड़े अभिनेता जिनका कहना है कि खेसारी का गाना ऑडियो वीडियो दोनों आ चुका है। इस नाते रितेश भले चाहे जो भी कहे, लेकिन गाना खेसारी लाल यादव का ही है। वैसे भी खेसारी लाल यादव के लिए ये पहली बार मौका नहीं है जब कोई उन पर तोहमत लगा रहा हो कि उन्होंने उनका गाना चोरी कर लिया हो, लेकिन अब आपको बता दें कि खेसारी ने इसमें सुधार क्या किया है। पहले खेसारी लाल यादव एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब खेसारी लाल यादव इसे एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ, एक कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज हुई है जिसमें खेसारी लाल यादव ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि ये गाना किसका है, लेकिन उन्हें आदिशक्ति इंटरटेनमेंट वालों ने बुलाया और उनसे एक गाना रिकॉर्ड करने को कहा। उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, मेहनताना लिया और चलते बने, क्योंकि ये गाना उन्हीं की आवाज़ में है और लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई, जिसे लोग इंजॉय कर रहे हैं, दर्शकों को इंजॉय करने दीजिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इन बातों से ये लगता है कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को भी भले ही बाद में पता चला, लेकिन पता चल गया है कि ये गाना रितेश पांडे का है। अब आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने खेसारी पे गाना चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, अब खेसारी बकायदा जिसका गाना रहता है उस सिंगर का नाम उस गाने में रेकमेंड कर देते हैं, या यूँ कह दे उस गीतकार का नाम उस गाने में रेकमेंड कर देते हैं, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे और उनका काम भी बन जाए। वैसे आपको बता दें, खेसारी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि इस गाने को लेकर भाई उनमें अब होड़ सी मच गई है। खेसारी के फैंस ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस गाने को देना चाहते हैं, ताकि लोग ये समझ पाएँ कि ये गाना कितना स्पेशल है, कितनी इज्जत की बात बन चुकी है खेसारी के लिए। तभी तो ये गाना 1.6 मिलियन सिर्फ 5 घंटे में गया, यानी कि 5 घंटे में इसे 16 लाख लोगों ने सुना है। भाई क्या बात है, खेसारी का इससे पहले कोई भी गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। तो भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर खेसारी लाल यादव, और यहाँ रितेश के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वक्त सभी को मौका देता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।